Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve spiral matrix 2. So what is given a statement here? Given a positive integer n, generate n into n matrix filled with elements from 1 to n square in spiral order. So इस problem में क्या है, एक positive integer n given है, ठीक है? हमें क्या करना है, एक generate करना है matrix जिसका size होगा n into n. और फिर क्या करना है, generate करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें elements को fill करना है. एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक के होंगे, 1 to n² तक के होंगे. और हमें जो फिल करेंगे इस मैट्रिक्स में वो स्पायरल ऑर्डर में फिल करेंगे, ठीक है. लाइक अब फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हो, ये है मैट्रिक्स. एक्चुअली ये फॉर्म करना है हमें, ये मैट्रिक्स होगा नहीं, ये ब्लैंक होगा, ये सेल जो होंगे सारे ब्लैंक होंगे. हमें क्या करना होगा, सारे सेल में एलिमेंट पुट करना होगा, ठीक है. सो देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये डायरेक्शन, यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पहले और फिल करते चलोगे, 1 2 3, ये फिल कर लिया. फिर हमारा काम क्या रहेगा कि टॉप टू बॉटम को फिल करना, 4 5 कर लेंगे. फिर ये फिल कर लिया, फिर इधर फिल करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ, 6 7 फिल करेंगे. फिर हमारा क्या रहेगा कि हम टॉप की तरफ जाएं और फिल करते जाएं, फिर फिल करेंगे इसको टॉप, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है. फिर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ. लाइक लेफ्ट टू राइट की तरफ एक डायरेक्शन होगा हमारा, एक होगा क्या होगा, टॉप टू बॉटम की तरफ एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा मूव करने का राइट टू लेफ्ट, और एक डायरेक्शन होगा टॉप टू बॉटम. तो हमें यहाँ पे 4 डायरेक्शन में मूव करते हुए फिल करते हुए जाना है, ठीक है. सो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, क्या होगा, कैसे इसको अप्रोच करेंगे वो देखते हैं. हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो एक ब्लैंक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, 3x3 साइज का, ठीक है, 3x3 साइज़ का हम क्रिएट कर लेते हैं. फिर हम देखेंगे कि कैसे करना है हमें. देखो, ये आपका मैट्रिक्स है, ये ब्लैंक मैट्रिक्स है, सेल सारे ब्लैंक है. हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट पुट करना है, राइट. जो भी होंगे साइज के n इंटू n के होंगे, एलिमेंट भी क्या हुआ, 1 to n² तक का होगा, राइट. यहाँ पे 3 है तो 1 to यहाँ पे 9 होगा. सो पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट फिल करने की कोशिश करेंगे, है ना. तो लेफ़्ट टू राइट करोगे तो आपका यहाँ पे टॉप रो रहेगा, ये टॉप रो रहेगा. अब फिल किस डायरेक्शन में करोगे, लेफ़्ट टू राइट, दैट मीन्स सारे कॉलम चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, लेफ़्ट कॉलम टू राइट कॉलम अब फिल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है. टॉप आपका फिक्स्ड है और डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये चेंज हो रहा है आपका कॉलम. तो लेफ़्ट टू राइट एक कॉलम ले लेंगे हम, फिर यहाँ पे फिल कर देंगे, 1 2 3, ये कर लिया, ये टॉप रो हमारा फिल हो चुका है. तो हम क्या करेंगे ना, इस कंडीशन में जब हम मेरा पूरी तरह से फिल हो चुका होगा तो यहाँ पे इसको मूव कर देंगे कि टॉप ये अब हो चुके हो तो अब नेक्स्ट रो पे जाओगे, ठीक है. तो ये नेक्स्ट रो पे होगा, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम की तरफ. तो बॉटम क्या होगा हमारा, लास्ट रो होगा. तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे बॉटम, ये यहाँ तक कहेंगे, यहाँ तक मूव करना है, ये बॉटम रो तक ही मूव करना है. तो टॉप रो से लेकर बॉटम रो तक, टॉप रो ये है हमारा सेकंड रो. सो यहाँ से करेंगे 4, यहाँ पे फिल करेंगे 5 फिल करेंगे, ये डायरेक्शन हो गया हमारा टॉप टू बॉटम. फिर हमें क्या करना होगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा. तो ये राइट वाला जो कॉलम है ये तो पूरी तरह से फिल हो चुका है, फिर यहाँ से हम नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो यहाँ से इसको मूव कर देंगे यहाँ तक, यहाँ से ये जाएगा राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ से 6 ये फिल होगा, 7 ये फिल होगा, ठीक है. ये बॉटम रो हो चुका है फिल, तो बॉटम रो हो चुका है फिल, तो अगला बॉटम क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा. तो ये यहाँ आ जाएगा, देखो दोनों इक्वल हो चुका है यहाँ पे. फिर यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में ही चलेंगे टॉप की तरफ, लेकिन ये टॉप तो ऑलरेडी फिल है, एक ही है यहाँ पे, इसको फिल कर लेंगे पहले. ये फिल कर लिया तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इस तरफ होगा. ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी आपका टॉप ये फिक्स्ड है, रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज हो रहा है, राइट. तो एक ही कॉलम बचा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम फिल कर देंगे 9, ये 9 फिल हो जाएगा, हो गया. क्योंकि यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू बॉटम हो चुका है, यहाँ पे लेफ्ट इक्वल्स टू क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे जब आप फिल करोगे ना तो ये रो आपका पूरी कॉलम आपके पूरी तरह से भर चुका होगा. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेफ्ट को भी शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट आपका इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में.
और टॉप और बॉटम भी इक्वल हो चुका है, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरी तरह से ये फिल हो चुका होगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं ना, 4x4 के लिए देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी तरह से आई थिंक, मुझे लगता है इतनी तरह से अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ ये। 4x4 का देखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया। ये ब्लैंक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है यहाँ पे, फिल करना है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो सॉल्यूशन क्या रहेगा वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 4 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जो हमेशा ध्यान रखेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करते हुए फिल करना है। तो डायरेक्शन 1 जब रहेगा उसका मतलब होगा कि आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना है। जब आपका ये 2 होगा, जब भी ये 2 होगा डैट मीन्स होगा आपको क्या करना है, आप यहाँ से टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करना है। जब भी ये 3 होगा उसका मतलब क्या होगा कि आपको राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जब भी ये 4 होगा डैट मीन्स होगा कि आपको बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करना है, ठीक है। ऐसे फिल करते रहना है, ये डायरेक्शन हमें बताते रहेगा कि हमें किस तरफ से फिल करते रहना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेंगे, टॉप रो से। यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप रो ले लेंगे, एक बॉटम रो ले लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्या करेंगे हम, कॉलम का ध्यान जो रखने के लिए हम लेकिन 2 वेरिएबल लेंगे, लेफ्ट टू राइट, ये 2 लेंगे, ठीक है। ये ले लिया, टॉप रो में हम पहले फिल करेंगे लेकिन कॉलम मेरा चेंज होगा यहाँ पे, है ना, तो लेफ्ट टू राइट की तरफ चेंज होगा। तो 1, 2, 3, 4 ये फिल कर लिया, ये टॉप रो तो फिल हो चुका है ना, तो टॉप रो को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे कि अगले रो पे तुम जाओगे, ठीक है। फिर डायरेक्शन चेंज होगा ना यहाँ पे, बॉटम टू टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे फिल करोगे तो डायरेक्शन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे। फिर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फिल करेंगे, यहाँ पे 6 फिल करेंगे, यहाँ पे 7 फिल करेंगे। कर लिया फिल, देखो ये फिल कर चुके हो आप, राइट। ये क्या है, लास्ट रो है, ये रो फिल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे इस टाइम रो को शिफ्ट कर देंगे कि अगले रो से ये कॉलम फिल हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉलम को शिफ्ट कर देंगे, ये अगले कॉलम का ध्यान रखेगा फिर से फिल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब मेरा क्या है कि हमें क्या करना होगा, अब राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा फिल करते हुए। तो हम यहाँ पे इस टाइम डायरेक्शन हमारा क्या होगा, 3 होगा, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 8, 9 और 10। देखो अब लास्ट रो भी क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस बॉटम को यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ ले आएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप फिल करने की कोशिश करेंगे। तो 11 यहाँ पे करोगे और यहाँ पे 12 करोगे, तो इस कंडीशन में क्या हो चुका है, ये जो लेफ्ट कॉलम है ये पूरी तरह से फिल हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट कॉलम को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर दिया, फिर हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट टू राइट, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो रो क्या होगा हमारा, ये टॉप रो है, 13 ये 14 फिल कर लिया, ये पूरी तरह से फिल हो चुका है ये रो। तो इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, टॉप बॉटम इक्वल हो चुका है। फिर इस यहाँ पे क्या जाएंगे हम, बॉटम की तरफ जाएंगे, तो इसमें फिल करेंगे। देखो ये रो क्या हो चुका, ये कॉलम क्या हो चुका है, पूरी तरह से फिल हो चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट और राइट इक्वल हो चुका है। फिर आप इधर की तरफ मूव करोगे, है ना, मूव करोगे, यहाँ पे 16 फिल कर दोगे, फिल हो चुका है। ये हमें कब तक करते रहना होगा, जब तक हमारा टॉप क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू बॉटम हो जाए, या लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट हो जाए, तो उस कंडीशन तक ही हम फिल करते रहेंगे, ठीक है। सो इसका कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या करोगे, वेक्टर डिक्लेयर करोगे ना, यहाँ रिटर्न टाइप क्या है हमारा, वेक्टर है। तो वेक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पे, साइज क्या होगा इसका रो का, एन होगा, एंड कॉलम का क्या होगा, ये है मेरा यहाँ पे एन ही होना है, एन इंटू एन का फॉर्म होगा ना। एक क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे, डायरेक्शन 1, इनिशियल में 1 लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेफ्ट 0, राइट क्या होगा हमारा, लास्ट कॉलम यानी एन माइनस 1, टॉप क्या होगा, फर्स्ट रो 0 होगा, और बॉटम क्या होगा, लास्ट रो
एन माइनस वन ले लिया। कब तक करना है हमें मूव? जब तक हमारा क्या है लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू आर एंड टॉप लेस देन इक्वल्स टू बॉटम। ओके ये हो गया। अब फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तीन डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब डायरेक्शन हमारा क्या हो वन हो उस टाइम हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्शन हमारा टू हो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा। ठीक है, फिर डायरेक्शन हमारा थ्री रहेगा तो हम क्या करेंगे, इफ डायरेक्शन इक्वल्स टू थ्री उस टाइम हम क्या करेंगे, इफ डायरेक्शन इक्वल्स टू फोर उस टाइम हम क्या करेंगे, है ना। तो डायरेक्शन जब आपका वन होगा डैट मीन्स आपको मूव कहाँ से करना है, लेफ्ट टू राइट कॉलम की तरफ, लेकिन टॉप रो रहेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट आई जीरो नहीं लेफ्ट लेंगे और लेस देन इक्वल्स टू राइट एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कर लिया। फिर क्या करेंगे हम वी ले रखें, वी ले लेंगे यहाँ पे, और रो कौन सा यूज करेंगे, टॉप रो यूज करेंगे यहाँ पे, टॉप ले लेंगे, और कॉलम को हमारा आई यूज होगा यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक और वेरिएबल के ले लेते हैं के, वन होगा यहाँ पे के प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, देखो अब ये फिल कर चुके हैं तो डायरेक्शन चेंज होगा ना, डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, टू लेंगे यहाँ पे, टू ले लेंगे। अब टॉप रो भर चुका है राइट, टॉप को क्या करेंगे हम, टॉप माइनस माइनस प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इमेजन चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा हमारा, डायरेक्शन टू के लिए देखेंगे, डायरेक्शन टू में क्या करेंगे हम, टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे, है ना। फॉर इंट आई इक्वल्स टू टॉप एंड लेस देन इक्वल्स टू बॉटम एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। वी ले लेंगे, इस टाइम क्या होगा हमारा कॉलम फिक्स्ड रहेगा और हमारा रो चेंज होते रहेगा, इसलिए आई पहले लेंगे और कॉलम क्या होगा लास्ट होगा राइट होगा, तो यहाँ पे के प्लस प्लस करेंगे। देखो ये कॉलम भर चुका होगा डैट मीन्स हमें क्या होगा राइट को माइनस माइनस करना होगा, राइट को माइनस माइनस कर लेंगे और डायरेक्शन चेंज करके क्या करेंगे थ्री कर देंगे, थ्री पे जाएगा ये। ठीक है, थ्री के कंडीशन में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इसलिए यहाँ पे एंड आई जीरो राइट ले लेंगे एंड आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट होनी चाहिए एंड आई माइनस माइनस, है ना। तो फिर क्या करेंगे इस कंडीशन में क्या होगा हमारा बॉटम रो फिक्स्ड होगा, है ना। तो बॉटम ले लोगे यहाँ पे बी और कॉलम चेंज होगा तो आई यहाँ पे ले लेंगे और के प्लस प्लस कर लेंगे। इसमें क्या होगा डायरेक्शन हमारा चेंज होगा, फोर हो जाएगा और बॉटम रो फिल हो चुका है इसलिए बॉटम को क्या करेंगे माइनस माइनस कर देंगे, है ना। फिर कहाँ से फिल करेंगे हम, फिल करेंगे अब बॉटम टू टॉप की तरफ। यहाँ पे क्या होगा आपका कॉलम फिक्स्ड होगा लेकिन रो चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पे रो क्या लेंगे इंट आई बी और आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टॉप और आई माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है आपका क्या फिक्स्ड है, लेफ्ट कॉलम फिक्स्ड है और रो क्या है चेंज हो रहा है, तो आई पहले लेंगे लेफ्ट कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे के प्लस प्लस कर लेंगे। तो देखो लेफ्ट कॉलम भर चुका है तो लेफ्ट प्लस प्लस करोगे और डायरेक्शन यहाँ पे फोर जब होगा तो डायरेक्शन वन पे फिर से स्टार्ट होगा। ये हो गया, ये होता रहेगा, लूप चलता रहेगा आपका। ठीक है, ये फाइनली देखती हूँ, क्लोज पैरेंथेसिस चेक कर लेती हूँ ये। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे सही है। हम रिटर्न यहाँ पे वी कर लेते हैं, रिटर्न वी, रन करते हैं कोड को। डायरेक्शन थ्री कहाँ पे मैंने छोड़ दिया है भाई, ओके यहाँ पे सबमिट करते हैं, कोड रन हो चुका है, सबमिट हो गया, थैंक यू।